पिपरी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा एक तरफ एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए जहां पूर्व नगर पंचायत द्वारा बनाया गया सार्वजनिक सामुदायिक भवन को मदरसा बनवा दिया गया, जबकि उसे इसलिए बनवाया गया था कि किसी को भी कोई कार्यक्रम आयोजन करना हो तो बुकिंग कर सकता है और नगर पंचायत का आय होगा। भारी विरोध के कारण पुनः अधिकारियों के डांटने और फटकारने के बाद आनंद फानन में पुनः मदरसा हटवा कर सामुदायिक भवन लिखवाया गया। कल नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा लगभग 50 वर्षों से नगर में मनाए जा रहे रामलीला कार्यक्रम में दशहरे में जहां रावण दहन कर बड़े हर्षा उल्लास के साथ मनाया जाता है, उस जगह पर रैन बसेरा के लिए भूमि पूजन कर हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें नगर में भारी विरोध हो रहा है। जनता में चर्चा है कि इस घटना से सरकार का भी कार्य धूमिल हुई है, जिसके कारण निकाय चुनाव के साथ 2024 में भी सरकार को भारी विरोध का सामना करना होगा। क्या है मामला, ये क्या चल रहा है ये हमारे पिपरी में? अभी 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 जो जानकारी मिली है मोटा मोटी, मैं भी भागे भागे आया हूँ और सवेरे सवेरे जैसे हुआ सारे नगरवासी चिंतित हैं कि बहुत अरसे से जब पिपरी का अस्तित्व था और पिपरी का अस्तित्व तब से जब रेणुकूट नगर नहीं बसा था, उस समय से यहाँ रामलीला की कमेटी भी है। आपको ज्ञात होगा पूरे जनपद की सबसे पुरानी कमेटी है, वो एक स्थल है जहाँ रावण दहन होता है और सार्वजनिक जगह है। वर्तमान चेयरमैन जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और सिर्फ लोभ में कि ताकि कार्य हो, धन निर्गत हो और उसके कमीशन खोरी के चक्कर में 5 साल इन्होंने यही किया, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जनता, आप देख लीजिए हमको क्या, कैमरा अपना जरा बोलिए, कैमरामैन से घुमाए कि ये जनता जो है इसके विरोध में आई हुई है कि रावण का पुतला जहां दहन होता है जो सार्वजनिक जगह है वहां आप रैन बसेरा कैसे बना सकते हैं, इसको लेके विरोध है। और हम भी इसी मामले में माननीय उप जिला अधिकारी महोदय से अपनी फरियाद करने आए हैं और अपना विषय रखने आए हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके विरोध में हूँ। सारे जनता जिधर है उधर हम लोग हैं।